हेलो नमस्कार, मैं उमाकांत वर्मा, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास के जो भी चरण रहे हैं उनमें कौन कौन से मुख्य रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास का जो ढांचा है उसको, भारत का संवैधानिक विकास विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए भारत के संवैधानिक विकास का ढांचा हमें पता होना चाहिए। तो भारत के संवैधानिक विकास का ढांचा जो है, आज की वीडियो हम सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास का जो ढांचा है उसमें दो प्रकार के अधिनियम या एक्ट हैं। तो पहला जो कंपनी के द्वारा लाए गए और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाए गए। कंपनी के, जब भारत पर कंपनी का शासन हुआ करता था उस समय जो एक्ट लाए गए तो वो कंपनी के द्वारा एक्ट लाए गए। उसके बाद में जब से भारत पर कंपनी का शासन हट गया और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का सीधे नियंत्रण स्थापित हो गया, उसके बाद में उस समय से लेकर 1947 तक जो भी एक्ट या अधिनियम लाए गए उनको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित किया गया अधिनियम कहा जाता है। तो आइए भारत के संवैधानिक विकास के ढांचे को समझते हैं। संवैधानिक विकास, तो इसमें दो प्रकार के एक्ट हैं। एक तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत था उस समय जो एक्ट लाए गए और दूसरे कंपनी द्वारा पारित एक्ट और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित एक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे कंपनी के द्वारा पारित किए गए एक्ट कि कंपनी के द्वारा कौन कौन से एक्ट पारित किए। कंपनी के द्वारा बहुत सारे एक्ट लाए गए, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से जो एक्ट लाए गए वो 6 एक्ट हैं, उनको हम क्रमवाइज देखेंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न बनेगा पीसीएस या आईएएस में, इनसे केवल ये प्रश्न बन सकता है कि इनका क्रम पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के द्वारा पारित किए गए एक्ट, कौन कौन सी कंपनी के द्वारा पारित किए गए एक्ट हैं। तो पहला एक्ट है इसमें आपका, जो आप लोगों को पता भी होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला एक्ट जो आपका आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए कि कलकत्ता 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसके साथ ही हुआ क्या, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था जो अभी तक, उसको 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का समय क्या है, ये 1784 ईस्वी में पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है, 1784 ईस्वी में पारित किया जाता है। इसके बाद में जो एक्ट आता है वो है आपका चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 पारित किया जाता है। इसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आता है, वो इसके बाद में 1784 के बाद में लगातार 4 चार्टर एक्ट पारित किए जाते हैं। कितने, 4 लगातार। तो वो कौन कौन से हैं, चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद में 1813 के बाद में एक और एक्ट आता है, चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट 1833। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें इससे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि चार्टर एक्ट 1833 के समय या चार्टर एक्ट 1833 जब से पारित किया गया, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में छठा एक्ट जो आता है वो भी आपका चार्टर एक्ट ही था, चार्टर सीरीज का ही एक एक्ट था, चार्टर एक्ट 1853। तो ये कंपनी के द्वारा मुख्य जो एक्ट पारित किए गए वो छह कंपनी के द्वारा एक्ट पारित किए गए जिनका संवैधानिक विकास में अहम योगदान है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है कि आपको दो तो याद करने पड़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में पिप्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में सब लगातार चार चार्टर एक्ट पारित किए गए, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, तो देखिए ये कितने साल बाद 1793 में पारित हुआ, उसके 20 साल बाद, उसके 20 साल बाद 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया, उसके ठीक 20 साल बाद एक और एक्ट पारित किया गया, और उसके ठीक 20 साल बाद एक और एक्ट पारित किया गया। तो इसमें प्लस 20 हो रहा है, प्लस 20 प्लस 20। तो आपको याद करने का तरीका क्या है कि 1793 उसके उसमें प्लस 20 जोड़ो, उसके बाद में 1813 उसमें 20 जोड़ेगा, 1833 उसमें 20 जोड़ोगे, 1853। तो ये चार चार्टर एक्ट जो हैं ये चार्टर सीरीज के एक्ट थे, और ऊपर के जो दो एक्ट हैं रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ये तो आपको याद ही हो जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, और उसके बाद में लगातार चार चार्टर सीरीज के एक्ट पारित किए जाते हैं जो आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो एक्ट पारित किए गए, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो भी एक्ट पारित किए उन पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित किए गए एक्ट में पहला जो एक्ट था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब लाया गया, 1853 में एक्ट पारित किया गया, इसके बाद में 1858 में, 1858 का एक्ट जो लाया गया वो क्यों लाया गया था, क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, या उसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति उसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ब्रिटिश संसद जो थी उसको पता चल गया था कि भारत में जो कंपनी का शासन चल रहा है वो भारतीयों के लिए संतुष्ट शासन नहीं है, यानी उस शासन से भारतीय जो हैं वो संतुष्ट नहीं, इसी के चलते 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित किया जाता है। इसके बाद में जो आपका एक्ट लाया गया वो था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित किया जाता है। आपको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में एक फैक्ट बता दें कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था इसी के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन 1858 के जो एक्ट था इसमें क्या हुआ, इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, इसको आपको याद रखना है। तो दूसरा एक्ट जो पारित किया गया वो इंडियन काउंसिल एक्ट था, कौन सा था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया। उसके बाद में एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है? 1892 में पारित किया जाता है। उसके बाद में 1892 में पारित किया जाता है, उसके बाद में आपका आ जाता है 1909 का अधिनियम। कौन सा आ जाता है? 1909 का अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम को और क्या कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है? 1909 में पारित किया जाता है। तो उसके बाद में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया वो आपका 1919 ईस्वी में आया, 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, इसी के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा स्टार्ट होती है। उसके बाद में 1919 में एक अधिनियम आया, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अधिनियम है जो भारत के संवैधानिक विकास का एक प्रकार, जो भारत के संवैधानिक विकास में जिसने बहुत ही अपना अहम रोल, अहम भूमिका निभाई है, वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम जो है, इस पर हम आने वाले समय में पूरा एक टॉपिक हमारा होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, इसके विषय में हमारा एक पूरा टॉपिक होगा जिस पर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया गया। उसके बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब पारित होता है? अगस्त प्रस्ताव आपका आता है 1940 में। कब आता है? 1940 में। उसके बाद में जो आता है वो आता है क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा आता है? क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है? 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो नवा है वो आता है आपका, फिर आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन आपका आता है 1946 ईस्वी में। उसके बाद में एक और योजना आती है जिसे योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना कब आती है? यह आती है 1947 ईस्वी में। कब आती है? 1947, और उसी के समय हमारा देश आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत के संविधान का जो ढांचा है, भारत का संविधान का जो विकास हुआ उसका ढांचा है, वो इस प्रकार से कि भारत के संवैधानिक विकास में दो प्रकार के एक्टों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि एक कंपनी के अधीन जब भारत था उस समय जो एक्ट पारित किए गए वो एक तरफ हमने लिखे हैं, और उसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत था तो उस समय जो एक्ट पारित किए गए, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो एक्ट पारित किए गए, वो मुख्य जो एक्ट हैं, मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट है, जिनका भारतीय संविधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, वो एक्ट एक तरफ लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के संवैधानिक विकास का जो ढांचा है वो ये ढांचा है। तो अब जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो होगा रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। ये दो एक्ट जो हैं इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर ध्यान से चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो को हमारे अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक
के लिए नमस्कार।